आज जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग को बैंकिंग के हैं क्वेश्चन। किसके हैं? बैंकिंग एसएससी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। किस चीज़ का अंतर है? बैंकिंग में कैलकुलेशन बहुत हैवी होती है, एसएससी में बहुत खत्म होती है। आप क्वेश्चन देखना, आपको कह गए यार आता तो है मेरे को लेकिन हो नहीं पा रहा। क्वेश्चन आता तो होगा आपको, क्या नहीं हो पाएगा? सॉल्व नहीं हो पाएगा वो, केवल किसकी वजह से? कैलकुलेशन की वजह से। ठीक है भाई, कंपाउंड टेस्ट, सिंपल टेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है। क्वेश्चन सिंपल टेस्ट का अगर आ गया तो क्या करोगे? एस आई बराबर क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो अगर एस आई वाला क्वेश्चन हुआ तो कर लेंगे आप लोग। डिफरेंशियल बराबर क्या होता है? तो ये एस आई क्वेश्चन, एस आई और सी आई के कंबाइंड क्वेश्चन है। एस आई हो गया पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। अच्छा, कंपाउंड टेस्ट निकालने के तरीके बताते हैं आपको। सी आई निकालने के लिए हमने पहला जो कॉन्सेप्ट यूज किया था वो किया था कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला, जिसमें हमने एक फॉर्मूला यूज किया था। कौन सा? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। यहां से हम रेट निकाल लेते हैं और प्रिंसिपल को बता दें कितना। जैसे क्वेश्चन क्या है कि अगर प्रिंसिपल 12,000 रुपये है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? सीआई पूछ रहा हूं मैं, अमाउंट नहीं पूछ रहा हूं। बताओ इसका आंसर। चलो 5280 वाला तो नहीं है ये, 5280 वाला क्वेश्चन है। इसका तो आंसर भी याद हो गया। अरे ऐसे एसएससी क्वेश्चन आप देख के बता दोगे, आधे क्वेश्चन के तो आंसर याद रहते हैं हम लोग को एसएससी के। 5280 है, इसका आंसर क्या है? 5280 है कि नहीं है? कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या? यहाँ पे 2 साल है तो इसका पहले साल पे कितना रेट है? 20। अगले साल पे कितना रेट है? 20 है। तो एक्स भी 20 है, वाई भी 20 है, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20/100। आपने कहा सर ये तो 44% आ गया। 44% ऑफ वाट? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल कितना है? तो 12,000 का कितना परसेंट? 44% आ गया हमारा आंसर। कितना आंसर है? 5280। ठीक है भाई, अरे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है मेरा? ये है कि अब जो बच्चे नए आए जा रहे तो दिक्कत ये हो रही है कि हम लोग उनको इस बैच में नहीं बैठा पाएंगे। तो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच। ठीक है, ये पहले अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे। अभी हम टाइम डिसाइड करें, लेकिन मेरे हिसाब से टाइमिंग उसका 8 बजे से रहेगा। 8 to कितना? 9:30। फिर जीएस मुझे कंबाइंड करानी पड़ेगी सबकी, पहले वालों को भी और दूसरे वाले को। तो नए बच्चे जो आएंगे 1 अक्टूबर से, अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम्हें दोबारा मैथ्स पढ़नी है, देन यू कैन बी ऑन दैट बैच, फर्स्ट बैच। इसका मतलब फिर से क्या स्टार्ट? फिर से रेशियो स्टार्ट, फिर से क्या एवरेज, फिर क्या परसेंटेज, फिर क्या जो भी पढ़ाया मैंने एस आई सी आई। सो न्यू स्टूडेंट विल बी इन कौन से बैच में? 8 to 9:30। तो कंपाउंड टेस्ट निकालने का पहला तरीका बता दिया मैंने, कौन सा है? क्या बोलते हैं उसे? कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है वो? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। हो गया, कोई और तरीका बताया था मैंने? कौन सा? इनिशियल और, हाँ तो ये वही तो है भाई। इनिशियल फाइनल में क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इस फॉर्म में दी हो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इस फॉर्म में दी हुई 14 2/7% और 11 1/9%, 8 2/3%, है ना? तब क्या करोगे? तब आप इसको यूज नहीं करोगे, तब किसको करोगे यूज? तब इनिशियल फाइनल करोगे। आप इसको कन्वर्ट करोगे किसमें? एक फ्रैक्शन में। ये होती है 1/7, ये होती है 1/9, ये होती है 1/ कितना है ये? 25/3 है ये, 1/12 कितना है ये? तो आप याद रखोगे जो नीचे की तरफ है, जो डिनोमिनेटर में है वो प्रिंसिपल है, जो ऊपर है वो क्या है? वो इंटरेस्ट है। क्या है? इंटरेस्ट है। इनिशियल वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल था 7, इंटरेस्ट कितना मिला? 1 रुपये। तो अमाउंट कितना हो गया? 7 से 8 हो गया। कितना हो गया? 7 से 8 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया? 9 से 10। ये कितना हो गया? 12 से। ये 12 से 13 हो गया। तो ये वो कौन सा तरीका है? इनिशियल और फाइनल का तरीका है। देखो, अगर मेरे को ये बोलता है कोई प्रिंसिपल 7500 है, रेट 12% है और टाइम 2 साल है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या
कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कीजिए, करो करो। 7500 रुपीज पर 12% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। 25.44 लिखा होगा तुमने यहां, 25.44। अब मुसीबत है नहीं, 2544 में 75 की गुणा करनी है, ठीक है। तो हम फिर अपना तरीका लेके आएंगे, अभी से बोलते हैं एम्बिशन मेथड। क्या बोलते हैं इसे? इसे एम्बिशन मेथड कहते हैं। हम क्या क्या करते हैं, आप निकालते। मैंने कहा क्या बोला था आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट असली में क्या है? सिंपल इंटरेस्ट ही है, समझ में आया? अब देखो, मैंने कहा 7500 पे 12% के हिसाब से 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे आप, कितना आ गया ये? 900। कितना आ गया? 900 आ गया, आ गया। अब आप लिखोगे यहां पे 900, क्या लिखोगे यहां पे? अब 900 को यहां लेके आओ, 900 रुपए पे 12% के हिसाब से 1 साल का इंटरेस्ट निकालो, कितना आ गया? 108। कर दिया। पहले हमने निकाला प्रिंसिपल पे 12% के हिसाब से, कितना आया? 900 आ गया। फिर 900 पे हमने कितने निकाल लिया, उसी रेट पे निकाल लिया, कितना आ गया? 108। क्या निकाल लिया? अब यहां करोगे 2 की गुणा, यहां करोगे 1 की गुणा, कितना आ गया ये? 1800। यहां पे कितना आ गया? 108 इज द आंसर, 1908। क्लियर हुआ? फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट में 2 की गुणा, सेकंड ईयर के इंटरेस्ट पे 1 की गुणा, ये कौन सा मेथड है? क्या नाम है इसका? ये एम्बिशन मेथड है, सीआई निकालने का, कंपाउंड फाइंड करने का। क्या एम्बिशन मेथड है ये, पेटेंट है ये, कि अगर आपको 20, अबे बड़ा अजीब सा नंबर आ गया, 25.44 पे गुणा करोगे 75 की। अच्छा तुमसे जल्दी निकाल लिया मैंने, वो तो मैं सिखा रहा था तुम लोगों को, अगर मैं सिखाता ना तो और जल्दी कर देते। तो आप सोचो, अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप उसको किससे करोगे देखना। आपने कहा कि प्रिंसिपल इज 8000, रेट इज 14% और टाइम 2 साल, फाइंड द सीआई, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। वैसे मैथमेटिक्स में कोई मेथड किसी का नहीं होता, इसको काट देंगे भाई, हाँ ऐसा नहीं होता, मैथमेटिक्स इज मैथमेटिक्स, हो सकता है किसी और ने भी कर लिया हो। क्यों? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8000 एट द रेट ऑफ 14% आफ्टर 2 ईयर्स। अब इसको आप सीआरआई से भी करोगे, इनिशियल फाइनेंस से करोगे, बहुत टाइम लगेगा। इससे बेटर है कि आप क्या करें, आप उसका तीसरा मेथड लगाएं। अगर तुम इसे सीआरआई से करोगे तो क्या होगा? पहले 29.96 आएगा, नहीं आएगा? अब इतने खतरा नंबर की गुणा कौन करेगा भाई? तो क्या करोगे आप? आप कहोगे सर पहले तो मैं निकालूंगा प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा मुझे 1 साल में, कितना हो गया, कितना है ये? 1120। फिर 1120 पे डिवाइड बाय 100, कितना आ गया? 1.8 आ गया। इसमें किसी गुणा, इसमें किसी गुणा, एक ही, कितना हो गया ये? 2240 प्लस 156.8, व्हाट इज द आंसर, कितना हो गया? 9 आ गया, 2396.8, कितना आ गया? 2396.8 है, होममेड मेथड है। गुड, समझे तुम? 2-1 कहां से आया भाई? 2 की गुणा किस पे कर रहा हूं मैं? देखो ये जो हम पहली बार इंटरेस्ट निकाल रहे, पहला किस पे? प्रिंसिपल पे। किस पे? प्रिंसिपल पे लगने वाला इंटरेस्ट कभी चेंज नहीं होता। तो प्रिंसिपल पे जो 1120 मिलेगा, मैंने आपको चित्र बना के बताया था पिछली वीडियो में कि ये 2000 कभी चेंज नहीं होगा, ये 2000 ही रहेगा कभी। तो अगर हमने प्रिंसिपल पे निकाल लिया तो प्रिंसिपल कितना इंटरेस्ट मिल रहा? 1120। तो 2 साल में कितना मिलेगा? 2240। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन अगर सिंपल इंटरेस्ट का होता तो इसका आंसर कितना होता? 2240 आता। कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी इसमें जुड़ती कब है? कि पिछले साल जो आपको इंटरेस्ट मिला था उस पे भी क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। और कितनी बार मिलेगा? एक बार मिलेगा, क्योंकि पहले साल एसआई से दोनों क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। तो 1120 पे 14 के हिसाब से कितना इंटरेस्ट मिला मुझे? और ये एक ही बार मिलेगा। क्यों? पिछले साल वाले पे। दूसरे साल में तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया ना। तो कितना आ गया? 2396.8। समझ में आ गया भाई? इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? अरे ये कॉन्सेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब तो शॉर्टकट बता दूं इसका, मैंने बनाया कैसे इसको।
अच्छा अगर आप बताओ, अच्छा यहाँ पे तुमने देख नहीं, ये कितना है, 2 है, ये कितना है, अरे ये तो था 21, क्या था ये, तो इसका तो हर क्वेश्चन को हम 2 साल वाले क्वेश्चन को हर किसी को 21 से कर देंगे। 2 साल का नियम क्या है, कितना, 21, 3 साल का ये है। आप सोचो ये नंबर कहाँ से आ रहे, 3 साल का ये है। अगर क्वेश्चन 3 साल का हुआ तो पहले में किसी गुणा 3 की, दूसरे में कितनी गुणा, तीसरे में किसी गुणा, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, अरे 11 का स्क्वायर है, 11 का क्यूब, 11 का स्क्वायर क्या होता है, ये तो अमाउंट होता है ना, व्हाट इज दिस इंटरेस्ट, 21, 11 का क्यूब क्या होता है, इसको हटा दो। अगर 4 साल का हुआ तो पहले 4 की गुणा, फिर 6 की गुणा, फिर 4 की गुणा, फिर 4641, क्या समझ में आ गया, अब समझ समझने की जरूरत क्या है, ये समझ में आ गया, तो ये वाला समझ में आ गया, वो समझ में आ गया। बेटे एक बात ध्यान सुनना, कम प्रिंसिपल को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 3 बार मिलेगा। अच्छा पहले वाला जो इंटरेस्ट आपको मिल चुका होगा उस पर आपको 2 बार 3 बार इंटरेस्ट मिलेगा, कितनी बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा। और सबसे लास्ट में जो दूसरे साल के एंड में मिला होगा उसमें कितनी बार मिलेगा, उस पर 1 बार मिलेगा। तो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, ये सारी तीनों चीजें आपके हाथ में है, आप किस क्वेश्चन को कैसे करोगे। आपके पास दो ऑप्शन है कि आप, ये नंबर है 12,500, इस नंबर को आप इस नंबर से गुणा करना ज्यादा पसंद करोगे, या इंटू 2 या इंटू 1 से, कौन सा तरीका ठीक रहेगा, 2-1 वाला, क्योंकि आप कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बनाओगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है, कितनी है, 16% है, तो 16 दूनी 32 और 2.56 कितना हो गया, 34, 56, ये नंबर में 4 डिजिट हैं और किसकी गुणा होनी है इसमें, अभी एक 125 की होनी है। तो भैया इतना बड़ा क्वेश्चन करोगे एग्जाम में तो पास कैसे होगे, फिर समझ आया। तो हार्ड क्वेश्चन अगर आएंगे तो वो एग्जाम होगा बैंकिंग का, किसका होगा, बैंकिंग का, और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो किसका एग्जाम होगा, वो SSC का होगा, समझ आया। अब बताओ दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% है और CI दे दिया आपको, CI है 2956, आफ्टर कितना, 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर, फाइंड द प्रिंसिपल, तुम करोगे कैसे ये बताओ मुझे, आंसर थोड़ी निकालना है मुझे। अगर किसी क्वेश्चन में आपका प्रिंसिपल गिवन नहीं है, बोला भी रेट 12% थी और 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 2,996 रुपए आया 2 साल में CI, तो हाउ विल यू फाइंड द प्रिंसिपल इन दिस क्वेश्चन, तो क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका क्या निकालेंगे, CRI निकालेंगे 2 साल का, तो 12 + 12 + 12 × 12 25 दशमलव, तो आप कहोगे 25.44% ऑफ प्रिंसिपल बराबर क्या, ये नंबर ये हटा देता हूँ, चलो तुम्हारे लिए अच्छा नंबर ले आता हूँ मैं, ये नंबर कितना है, ये नंबर है 5088, कितना, 12% के हिसाब से 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 50,88 है, व्हाट वाज द प्रिंसिपल, तो आपको क्या बता रखा मैंने, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगी तो क्या करोगे आप, CRI निकालोगे, कितनी आएगी वो, 25.44 आएगी ना, तो हम क्या बोलेंगे, CI बराबर क्या, 25.44% ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल, और ये वैल्यू गिवन है, कितनी है वैल्यू, 5088, 25.44 डिवाइड बाय 100 इंटू प्रिंसिपल, तो ये कट गया उससे कितनी बार, 200 बार, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल कितना है, 20,000 है। एक बार और देख लो, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, 1414.4 है, वो कह रहा कितना अमाउंट मिलेगा सुरेश को 2 साल के एंड में, रेट क्या थी, 8%, वो आपसे पूछ रहा है क्या बताना है, अमाउंट बताना है, क्या बताना है, अमाउंट बताना है, कितने पैसे वापस मिलेंगे, कितने पैसे वापस मिलेंगे, वो कैसे पता लगेगा, जब मुझे क्या बताओ कि मैंने कितने पैसे उधार लिए थे, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 1414.4। अब देखो एग्जाम में बैंकिंग वाले के चालाकी कर रखी है,
इसके हर ऑप्शन के एंड में कितना लगावा, ताकि तुम एग्जाम ऑप्शन देख के ना कर सको क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है कितनी कितनी है 8%, कितनी है 8%। टाइम कितना है 2 साल है, और सीआई की वैल्यू कितनी है 1414.4 है। तो प्रिंसिपल फाइंड करना है, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन कराया मैंने आपको वो 50-88 वाला। रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है 8% बेटा, टाइम कितना है, टाइम है 2 वर्ष, तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 8 और 8 कितना 16.16 कितना 16.64% ऑफ प्रिंसिपल बराबर कितना 1414.4। तो कृपया करके इसको सॉल्व करें और पी की वैल्यू फाइंड करें। पी की वैल्यू कितनी आएगी 1414.4 और आपके यहाँ 16.16.64 इंटू कितना 100, 16 9 144, तो 9 बार तो कटेगा नहीं है। कॉल सॉल्व करो, चलो मैंने बता दिया आंसर क्या आएगा, ये इसका आंसर है। तुम्हें क्या बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है बेटा 8%, टाइम कितना है 2 साल है, तो आपको क्या बता रखा कि पहले साल भी 8%, दूसरे साल भी 8%, तो एक्स प्लस वाई 8+8+8 × 8/100 16.64%, यही तो होगा सीआई। इसकी वैल्यू कितनी है 1414.4, 8500 है ये, कितना है ये प्रिंसिपल 8500 है भाई। हाँ प्लस कितना जोड़े उसमें 1414.4, तो 0.4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 9 हो गया, ये भी कितना हो गया 9914.4। कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन। श्री खन्ना ने 2 वर्ष के लिए 3% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 10,000 रुपए का ऋण लिया, प्रिंसिपल कितना 10,000, रेट 3%, टाइम 2 ईयर, ठीक है। टोटल अमाउंट दैट ही विल बी पेइंग एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के रूप में उसने जो पैसे वापस करे, तो पहले इंटरेस्ट निकाल लो यहां से, हाँ 10,000 पी इंटू आर इंटू टी बटा 100 कितना आया, वो कह रहा जो पैसे वो वापस कर रहा है 600 रुपए, वो 3% है उसकी मंथली सैलरी का, कितने पैसे वापस करे उसने 600 रुपए, जो कि किसके बराबर है उसके, तो 3% ऑफ मंथली सैलरी बराबर कितने रुपए 600 रुपए, तो मंथली सैलरी आपकी आ गई इसकी 600/3 × 100, कितना आंसर है 20,000 इसका आंसर है। तो ये एसआई का क्वेश्चन था, एसबीआई का 2011 भैया, अभी तो 11 में चल रहे हैं हम लोग, 2023 तक आना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, अगले प्रश्न में। अब ये तुम उसी से करोगे एम्बिशन मेथड से, देखो तुम किसी और से कर ही नहीं पाओगे इससे। हाउ मच विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 53,000, प्रिंसिपल 53,000, 53,000, रेट 4%, टाइम 2 साल, आपकी मर्जी किसी से भी करो, मुझे आंसर बताओ 53,000 रुपए पर 4% के हिसाब से 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, क्या है पहला ऑप्शन है भैया 53,000 × 4/100 कितना आएगा, ये कितना आ रहा, जोड़ के गुणा बताओ, करा भी तुमने 2120 × कितना 2 की गुणा बाद में करता हूं मैं जानबूझ के, क्योंकि पता लगा कोई यहां 4240 ले गया उधर की तरफ, इसको नहीं करनी, बाद में करेंगे इसे, इसे उठाओ यहां से 2120 × 4/100
कितना आएगा? सिक्स, अरे तो 600, 800 आएगा ये तो, 84.80 आ गया ये। अब क्या करेंगे, यहाँ पे किसी गुणा करेंगे, दो की यहाँ पे करेंगे तो ये होगा कितना, 41.40, और यहाँ तो क्या रहेगा 84.8, तो ये आंसर आएगा 4300। कितना, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4324.8 कौन सा वाला पहला ऑप्शन आ गया आपके पास। नायर मंथली सैलरी 22,500, नायर की मंथली सैलरी 22,500 है, उसने 30,000 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट लिया 3 वर्षों के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। 3 साल बाद जो वो इंटरेस्ट पे करेगा, द अमाउंट दैट हिल बी पेइंग एज सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के रूप में वापस की जाने वाली जो धनराशि है वो उसकी सैलरी का कितना परसेंट है? 15 × 45 कितना आ गया? 4500। बेटे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, कितना आया? 4500। अब वो कह रहा है जो 4500 है ये उसकी सैलरी का कितना परसेंट है? सैलरी कितनी उसकी? तो 4500 इज व्हाट परसेंट ऑफ 22,500 × 100, 2 जीरो कट गई, 45 × 5 होता है शायद, ये इंटू 5, और ये कितना हो गया? व्हाट इज द आंसर? 20% है ऑप्शन में। बैंकिंग में नन ऑफ दिस भी देखता है भाई, पीछे की तरफ। सो बैंकिंग की कट ऑफ हमेशा एसएससी से कितनी रहती है? बहुत कम रहती है, आधे से भी कम रहती है। आज तक बैंकिंग एग्जाम में जितने क्वेश्चन एसआईसीआई के आ रखे वो आपके सामने हैं। इस पूरी साइड को पढ़ने के बाद आपको एसआईसीआई कभी पढ़ने जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर बैंकिंग एग्जाम। कंपाउंड इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एन अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स 16% के हिसाब से, तो भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट है? 16% है। टाइम कितना है? 2 वर्ष है। और सी आई की वैल्यू कितनी है? 3041 पॉइंट। ये टोटली कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा। कैलकुलेशन करके दिखाओ, मैं खड़ा करके पूछ लूंगा आंसर, और कैलकुलेशन करी कि नहीं करी कॉपी में चेक करूंगा आके। फिर लोग मेरी वीडियो देख के बोलते हैं कि सर आप इतने गुस्से में क्यों रहते हो, इतने एग्रेसिव क्यों रहते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आप बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 16% है तो 16 पहले साल भी 16%, दूसरे साल भी 16%, 16 × 16/100 ये होगी 34.56% ऑफ प्रिंसिपल, बराबर कितना ये नंबर, आप बताओ कितना खत्म क्वेश्चन आ गए। हाँ, तो पी की वैल्यू आएगी हमारी 3041.28 डिवाइड बाय 34.56 × 100, एंड नाउ यू विल फाइंड द प्रिंसिपल। डिवाइड तो करना ही पड़ेगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट इज 162% ऑफ द प्रिंसिपल इन 9 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18%। बताओ कह रहा है कि कोई धन पी से कितना हो गया, पी से 3p हो गया 20 साल में, रेट बताओ। सिंपल इंटरेस्ट में कोई धन पी से 3p हो गया 20 साल में, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? मूर्खो तुम्हें बताया था मैंने, से 1 माइनस करो कितना आ गया, 200/20 कितना आ गया, याद है? तो तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि अगर एसआई 162% है कितना है, डिवाइड बाय 9 कितना हो गया 18। अच्छा ये तो नीचे क्या साल था ना, तो 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। एसआई बराबर 162% ऑफ प्रिंसिपल, क्या बोला था हमने? याद है, तो याद है मैंने ऐसा क्वेश्चन कराए थे कि एक धन जो है पी से 5p हो गया, याद है 400% हो जाता है, वो कितना हो जाता है? और 400% को रेट से डिवाइड करेंगे तो टाइम निकलेगा, टाइम से डिवाइड करेंगे तो रेट निकलेगा। हाँ, याद था कुछ ऐसा पढ़ाया था हमने, पढ़ाया था कि अगर सिंपल इंटरेस्ट 80% होगा और रेट 10% होगी तो टाइम कितना होगा, 8 साल होगा नहीं होगा, याद आ गया? तो इस क्वेश्चन में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट इन 9 ईयर इज व्हाट, 162% ऑफ द प्रिंसिपल, व्हाट इज द रेट, कितना परसेंट?
याद आ गया या भूल गए अभी भी बताओ। अगर मैं क्वेश्चन बोलता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट पे अ प्रिंसिपल बिकम सिक्स टाइम ऑफ इट सेल्फ, पी प्रिंसिपल था और अमाउंट कितना हो गया, 6p हो गया इन 25 ईयर, कितने साल में, 25 साल में, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल मैंने रखा था पी रुपए, लेके में कितने आया, 6p में वापस लेके आया, तो इंटरेस्ट कितना मिला मुझे, 5p। किसी भी नंबर का 5 गुना उसका 500% होता है, क्या होता है, 500% अपॉन में कितना, 25, कितना हो गया, 20%, कितना हो गया। तो इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू है कुछ है? नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 16,250 इज 5,616। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिव्यांशु बताएगा इसका आंसर। कर इसको बिल्कुल ढंग से करना, 5 मिनट ले चाहे 10 मिनट ले, करके बताओ आंसर। है ना फॉर्मूला a2/p, क्या a/p का फॉर्मूला पता है ना, ये होता है अंडर रूट, ऊपर अमाउंट नीचे प्रिंसिपल, कितने साल का है ये, अंडर रूट आ गया, क्या आ गया, पावर टू आ गई उसकी। ऊपर अमाउंट आएगा ना, प्रिंसिपल कितना है, 16,250, सीआई कितना है, 5,616, अमाउंट कितना है, जोड़ो इसको। बेटा ये बताया था मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कितने साल का अमाउंट है ये, 2 साल का, तो इसे A2 बोले, क्या बोलेंगे इसे, A2 बोलेंगे। जोड़ो जल्दी, दोनों बताओ जल्दी कितना रहे, 218,666 आ गया, अपॉन में कितना, 16,250। और ये दो नंबर किसी के क्या होंगे, स्क्वायर होंगे, पक्का है भैया, तभी आंसर आएगा, ये आंसर तभी आएगा जब ये दो नंबर किसी के स्क्वायर बनेंगे, क्योंकि मुझे अंडर रूट से बाहर निकालना है इसको। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए मेरे को, 2 साल में मतलब अंडर रूट लेके आना है मेरे को बार। इसे बताओ ये नंबर किसी का स्क्वायर होगा या नहीं होगा, किसी भी नंबर के एंड में अगर सिंगल जीरो है वो कभी किसी का स्क्वायर नहीं होता। अरे किसी भी नंबर के एंड में अगर सिंगल जीरो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होगा, क्यों, किसी भी नंबर के एंड में अगर जीरो, 1 जीरो है तो उसके स्क्वायर के एंड में 2 जीरो होंगी, समझ में आ गया। तो ये नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है, कंफर्म है। तो इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, अब इसे डिवाइड करके ले जाना पड़ेगा मैं ऐसे नंबर के पास, करो डिवाइड, 13 से डिवाइड हो रहा हो, कितनी बार बताओ जल्दी, 13 से कितनी बार कटा, रोनी बताओ जल्दी, 8, 841 आ गया, नीचे 625 आ गया भाई, ये आ गया इसे 13 से डिवाइड करके, अंडर रूट है किसका स्क्वायर है, ये 29 का, और नीचे किसका स्क्वायर है, 25 का, यानी कि 25 रुपये कितने बन गए भाई, 29 बन गए, 25 रुपये 29 बन गए, इसका मतलब कितना इंटरेस्ट मिला, 4 रुपये, और नीचे हमेशा डिनोमिनेटर में होता है प्रिंसिपल, कितने रुपए पे, 25 पे, इंटू कितना, 100, 25 चौक 100, 4 चौक कितना, 16%। बेटा यहाँ स्क्वायर अंडर रूट क्यों लगाया मैंने, बताओ जल्दी से, कितने साल का है ये, 2 वर्षों का मल्टीप्लाई फैक्टर से 2 लगाए, अगर यहाँ पे 3 साल होता तो मैं यहाँ पे क्या लगाता, क्यूब रूट लगाता, ये पढ़ाया गया आपको, ठीक है, जिसको नहीं पढ़ाया गया वो वेट करें 2 अक्टूबर का, कब का, गांधी जयंती का, मेरा फेवरेट डे, कौन सी जयंती, गांधी जयंती, चलो 2 वर्षों का प्रिंसिपल है 15,800 बेटा, 15,800, और टाइम कितना है, टाइम 2 साल है, और सीआई की वैल्यू है 7716.72, जल्दी फाइंड करके बताओ मुझे भाई, बहुत बड़ा सुबह सुबह यार दिमाग खराब है। हाँ ये देखो क्वेश्चन, पहले इसके पहले एक फॉर्मूला यूज करना है हम लोगों को, डिफरेंस इसको लिख लेना बेटा, डिफरेंस ऑफ एसआई एंड सीआई आफ्टर 3 ईयर्स, इस फॉर्मूले को लिख लो, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आप डिराइव कैसे हुआ वो आगे की क्लास में बताऊंगा। एक्स बराबर होता है क्या, पी आर स्क्वायर ब्रैकेट में आर प्लस 300 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला लगाओ निपटा दो उसको। प्रिंसिपल पी है, पी इंटू आर स्क्वायर, पी इंटू आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 300, और नीचे क्या 100 इंटू 100 इंटू 100, ये 3 साल का है, किसका ये
तीन वर्षों में एसआई और सीआई का डिफरेंस, तीन वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है एक्स बराबर क्या, पी आर स्क्वायर आर प्लस 300 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 इंटू 100। और अगर ये क्वेश्चन दो साल का आएगा, दो ईयर में डिफरेंस होता है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100। इसका मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला ये किसका है, ये दो साल का है। दो साल में एसआई सीआई का डिफरेंस पी आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100 है। तीन साल में एक्स्ट्रा क्या जुड़ा, आर प्लस 300 और नीचे इंटू में 100 जुड़ गया हमें। तो ये बेटे लिख लो पहले और इसके बेस पे क्वेश्चन करके बताओ। चलो दो साल में एसआई सीआई का डिफरेंस क्या होता है, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100। ये दो साल का डिफरेंस है और ये तीन साल का डिफरेंस है। अब क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 12%। टाइम कितना है, तीन वर्ष। और डिफरेंस कितना है, 381.888। तो ये देखो, ये भी आपको मिल गया, ये एक्स ये है, आर कितना है 12 है और टाइम 3 साल है। क्या गायब है, खाली प्रिंसिपल गायब है। करो सॉल्व भी, फाइंड द प्रिंसिपल फॉर्मूला है। बस ध्यान देना, ये नंबर जो है ना, ये 12 से कटेगा कटेगा, ये दो बार 12 से कटेगा, फिर ये 100 कितने कटेगा, 312 से भी कटेगा, काटते रहो उसको, डिवाइड तो खुद ही करना पड़ेगा बेटे। 12 3 36, 2 12 9, 12 8 96, 2 28, 12 2 24, 12 4 48, ये 12 गया, ये एक 12 और आ गया, 12 2 24, 7, 12 3 72, 6, 12 5 60, 12 2 24, ये 12 भी गया, 312 इंटू 8 की गुणा कर दो इसमें, नहीं 8 से नहीं कटेगा, 312 जो है कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से काटते हैं इसको, कितना 156, 2 से कट गया ये 1.326। इसके पार्ट क्या, 13 इंटू 12, ये भी क्या है, ये 13 से भी कटेगा, और ये देखो 13 से कटेगा ये नंबर कितनी बार, 12 बार, और ये कट गया 13 से 0.102, 13 2 26, 102, 12 8 96, 12 5 60, 102 को 12 से डिवाइड करना जरा, हाँ 500 कितना रहा, 8500, 100 को डिवाइड करा था मैं, कितना आंसर आ रहा, 8000। अरे बेटा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसमें छोड़ मत देना कैलकुलेशन, बैंक की एग्जाम में कैलकुलेशन छोड़ नहीं सकते, वही तो है उसका एग्जाम का यूएसपी, क्या कैलकुलेशन तो है। अरे बैंक वाले तुमसे बैंक में करवाएंगे क्या, कैलकुलेशन कराएंगे नहीं करेंगे, तुम्हें 10 करोड़ का हिसाब करना है, कितने इधर गए कितने इधर गए, डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो कुछ भी करो। तो इस प्रिंसिपल 18440, रेट 15%, टाइम 4 इयर्स, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फिर से नवदीस आ गया इसका आंसर। ये तो पीआरटी अपॉन नेट वाला है ना, सिंपल क्वेश्चन है, गुणा कर लियो कितना रहा, कौन सा ऑप्शन है, नवदीस, अरे आंसर तो बता दो, 11064, ये भैया असली आंसर इसका 11064। 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताइए, फॉर्मूला क्या है, हाँ एक्स बराबर पी आर स्क्वायर आर प्लस 300 100 का क्यूब, 100 का क्यूब लिख दूं यहाँ पे, बस करो सॉल्व। चलो क्या प्रिंसिपल कितना है, 16200, आर कितना है 25 इंटू 25 इंटू 325 बटा 100 इंटू 100 इंटू 100। तो ये 2 जीरो कट गई, 25 से कट गया 4 बार, 25 से फिर कट गया कितनी बार, 4 बार, और ये कट गया हमारा 2 बार, 2 से, और ये कट गया 81, कितना हो गया 81 आ गया। अब यहां देखो, अरे ये कितना हो गया यहां
कितना बचा हुआ ये 8 है, और ये कितना है 81, अगर ये 80 होता तो, 80 होता तो 10 बार कट जाता। ये क्या पूछा हुआ इन्हें, राउंडेड ऑफ क्या पूछा है? तो बैंकिंग में 5 क्वेश्चन आते हैं अप्रोक्सीमेशन के, किसके, इस क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेशन करके देखते हैं। अगर ये 81 ना हो गया कितना होता, तो ये दोनों भाई उड़ा देते इसको कितनी बार, 10 से। तो क्या आंसर आता इसका 3250, कितना आता 3250। तो 3250 से छोटे नंबर तो उड़ा दो पहले, कौन कौन से हैं, 32 वाला कौन सा वाला, ये तो ऑप्शन इसका है नहीं, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये नंबर जो था यहाँ पे जो हमने डिस्कार्ड किया था वो था 1, कितना था ये 1 था। अब 1 को जो मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो कितना माइनर डिफरेंस आता है, कितना 0.12 या 0.0125 आएगा, 0.125 आएगा ना, 125 आएगा है ना यार। 1/80 तो था ये, क्या था ये 1/8 था ना, ये इंटू 320 कितनी बार कटेगा, 40 जोड़ दो इसमें, 3200 कितना आ गया, 90 कहाँ दिख रहा, 3290 ये आंसर इसका कितना है, 3290 है। लेकिन दिक्कत है ना बैंकिंग में, क्या दिक्कत है, नन ऑफ दीज है। एसएससी में होता तो इसका आंसर अभी निकाल के भाग जाते हैं। कौन सा देखो, 3290 तो बता दिया मैंने तुम लोगों को, पहुंचाया नहीं पहुंचाया इस क्वेश्चन में। ये देखो अब 5/8 निकाल लो, 5/8 यही तो बचा हुआ क्वेश्चन में, क्या बचा हुआ 5/8 ही तो नहीं बचा हुआ है ना। 5 को 8 से डिवाइड करो कितना बार जाएगा, 6 बार, तो ये आ गया अब कंफर्म है। अरे क्वेश्चन को डिवाइड में तोड़ा है मैंने, पूरा क्वेश्चन तोड़ दिया मैंने, क्या करा पूरे क्वेश्चन को, क्या कर दिया मैंने ब्रेक कर दिया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो बेटे अगला क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पे ये क्या है, ऑन प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल 16,500 है, 16,500। सर तक जरा आंसर ठीक हो गया इसमें, कितना है रेट, 16% टाइम हो गया 4 साल। तो बेटे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर कराने पड़ेंगे तो करना ही पड़ेगा मेरे को क्वेश्चन को। तो ये ऐसा ही आ गया, इसका तो फॉर्मूला पता है ना, लगा लो यार इसको, ये इजी क्वेश्चन है, इंटू 4/100, और हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लाई करने के पास आएगा ये कितना 10,560। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10,560 हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा क्या आंसर इसका, नन ऑफ दीज है, 10,560 है, ठीक है। जहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ 12,000 एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12%। ये डिफरेंस ऑफ 3 ईयर एंड SICI आफ्टर 3 ईयर्स, SICI का डिफरेंस, CI का 3 ईयर्स का डिफरेंस, फॉर्मूला क्या होता है इसका, एक्स बराबर PR² R+300 upon 100 का क्यूब। तो ये बोला उसने कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,000 रुपये, 12,000 डिफरेंस बताना है 12,000, और रेट की रेट कितनी है 12% है, 312 हो गया upon 100 इंटू 100। ये बैंकिंग एग्जाम के क्वेश्चन है, तो बैंकिंग वाले क्वेश्चन जो है उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गुणा करनी पड़ेगी 17,280, 17,280 इंटू 312, उसके बाद नीचे कितना आएगा 100, 10,000 आ गया, ये 0 काटे, गुणा करें कितना आ रहा, कितना आ रहा गुणा करके बताओ जल्दी, 16 एंड में लास्ट में 6, लास्ट में 6 किसके, इसके यही है ना भाई, देख रहे हो यहाँ पे ये 8 है ये 2 है, तो लास्ट में 6 आएगा, लेकिन ये SSC में होता तो हम कर देते, लेकिन ये किसका क्वेश्चन है, बैंकिंग का है भाई, ये किसका है, ये जो क्वेश्चन हो बैंकिंग, तो यहाँ मत सोचना बैंकिंग क्वेश्चन है, तो इसमें नन ऑफ दिस भी है, तो गुणा तो करनी पड़ेगी। तो गुणा करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा, 539.136 हमारा इसका आंसर है पहला ऑप्शन। कौन सा आंसर है, पहला ऑप्शन इसका आंसर है, ये इसका आंसर आ गया आपका फर्स्ट आंसर, ठीक है, हो गया भाई। फिर तक का आंसर आया नहीं आया बताओ, वाह यार।
मल्टीप्लाई गलत कर दिया हमने। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 22,500 एट द एंड ऑफ 4 ईयर इज 10,000। इस क्वेश्चन में जो जो आपको दिया हुआ है चीज पहले वो देख लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है 22,500, टाइम है 4 साल, और सिंपल इंटरेस्ट जो आया वो 10,800 है। ठीक है वो कह रहा है व्हाट वुड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट एट द सेम रेट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो यहां पे बोला है 22,500 रुपए पे कितना 2 साल में उसी रेट से कितना कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट होगा। तो यहां पे तो रेट दी भी नहीं है, तो रेट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है पी इंटू आर इंटू टी बटा 100, पी आर टी बाय 100। एस आई की वैल्यू कितनी है 10,800 है, पी कितना है 22,500 है, इंटू आर इंटू 4/100। ठीक है भाई तो ये हो गया 225, 9 से कटेगा ये कितनी बार 1200, ये कितनी बार 15 बार है ना, हाँ 12 है ना, ये कटेगा 9 से कितनी बार 25 बार कटता है ना, ये 25 बार कटेगा ये ना, तो 100 हो गया ना, ये 25 इंटू 4 कितना हो गया 100 हो गया, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, हमारी रेट कितना आ गया, रेट 12% आ गया आपके पास। अब पता क्या करना है, फाइंड क्या करना है इसमें, सी आई फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में क्या बोला आपको, इसी प्रिंसिपल पे 22,500 रुपए पे रेट 12% से 2 साल का सी आई बताओ, 5724। 2 साल का सी आई बताना है। आप देखो यहां पे हमने आपको फॉर्मूला बता रखा, हम लोगों ने एक अलग तरीके आपको बता रखा हमने किसमें क्या करना है। आपको क्लास में आपको याद होगा हमने क्या किया था, 22,500 पे 12% के हिसाब से 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लेते हम लोग। तो ये आया था 12×5=60, 12×2=24 और 6=30 कितना आएगा 2700 आएगा ये। फिर 2700 रुपये पे निकालेंगे हम, 2700 × 12/100 कितना हो गया 12 से 84, 12×2=24 और 8 कितना 32 आएगा, 324। और क्या बताया था बाद में, इसमें 2 की गुणा कर देंगे, 2×54+324 कितना हो गया 5724 हो गया, 5724 इसका आंसर है, 5724 आंसर है। क्लास में आपको पढ़ा रखा है इसलिए आपको समझ में आ जाना चाहिए दोबारा यूट्यूब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वुड बी द सीआई, बेटा सीआई फाइंड करना है। आप लोगों को क्लासरूम में ही पढ़ाया जा चुका है क्वेश्चन, तो अब आप इसको दोबारा पढ़ रहे हैं तो इसलिए बहुत ढंग से आप लोग इसको कर लेंगे, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और रेट 15%, टाइम कितना है 2 ईयर, और क्या फाइंड करना है, सी आई फाइंड करना है। क्या बता रखा आपको हमने, नया मेथड बताया ना हम लोगों ने, 2 साल का सी आई फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे हमने क्या बता रखा 7640, ठीक है क्या बताना है, चक्रवर्ती ब्याज बताना है आपको, इंटू 15/100 ठीक है। अब इसे काट देंगे 15×60, 15×6=90, 96, 15×7=105 और 9=114, 1146 आ गया ये, ठीक है 1146 आ गया। अब 1146 हमारा पहले साल का ब्याज है तो इस पर भी इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, इंटू 15/100 ठीक है, 15×6=90, 15×60 कितना आ गया 69 आ गया, और 15×15 और 6=21, 15×15=17 कितना आएगा 17, ये आएगा 171.90। इंटू क्या करूंगा यहाँ पे, 2 गुणा करूंगा मैं, ये आ गया 2292, और यहाँ पे क्या आएगा 171.90, और ये ऐड करके जो नंबर आएगा कौन सा नंबर आ रहा है इसमें से 2463.9 है ठीक है, 2463.9 इसका आंसर है ठीक है। तो ये तरीका हमने आपको बता रखा, सी आई अगर आपको 2 साल का निकालना है तो उसके लिए ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है, अगर सी आई फाइंड करना है।
व्हाट वुड बी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 7504% 2 साल, ये तो आप बच्चों की तरह निकाल दोगे, जल्दी बताओ इसका आंसर। सीआई बताना है बेटा, प्रिंसिपल आपको जो अलग तरीका बता रखा मैंने, 2:1 का, 2:1 रेट 4% टाइम 2 साल, और सीआई बताना है, क्या तरीका बता रखा हमने, 612 इसका आंसर है, वेरी गुड। तो एम्बिशन मेथड इसको हमने नाम दिया हुआ है, ठीक है। वैसे किसी टीचर ने और भी कराया होगा तो हम क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम अपने इंस्टीट्यूट में क्या बोलते हैं, इसे एम्बिशन मेथड ही कहते हैं हम लोग। 7500 पे 4% के हिसाब से 1 साल का ब्याज कितना होगा, 300 होगा। फिर 300 रुपये पे 4% के हिसाब से कितना ब्याज आएगा, 12 रुपये आएगा, है ना। तो ये 12 आ गया, इसमें 2 की गुणा करते हैं तो ये आ गया 600, इसमें 1 की गुणा करते हैं ये आ गया 12। व्हाट इज द आंसर, 612, 612 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जब करन जो अच्छा लगे उससे करेंगे, ठीक है, जिससे बेटर होगा वो करो, जिससे अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी ईयर्स 4600 अमाउंट टू 54283% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, क्या बताना है, टाइम बताना है, ठीक है। प्रिंसिपल इसको सही कर रहा है, इसको साधारण ब्याज लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ, तो ये अमाउंट है ना, प्रिंसिपल कितना है 4600 है और अमाउंट कितना है 54283 है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे इससे, कितना आएगा 828, 828 आ गया, ठीक है। तो SI का फॉर्मूला क्या है, पी कितना है 4600 इंटू आर कितना है 3/100, ठीक है। SI की वैल्यू कितनी है 828 है, 4600 × 3 कितना आएगा, 3×6 = 18 हो गया, 3×4 = 130 आ गया, 130 बराबर कितना आ गया 828 आ गया, कितना गुना है इसका, टी बराबर आ गया 828 अपॉन में 138 बराबर कितना आ गया 6 साल, टी बराबर 6 ईयर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, 4600 रुपीज प्रिंसिपल है, 5,428 क्या है अमाउंट है, और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है ये, सिंपल, तो सिंपल टेस्ट की 828 है, बाकी तुम्हें बताने के लिए ज्यादा जल्दी करना पड़ रहा, वैसे तो बहुत जल्दी नहीं पड़ जाएगा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹7300 एट द रेट ऑफ 6% इन 2 ईयर्स। SICI का डिफरेंस 2 साल में, x बराबर होता है PR स्क्वायर अपॉन 100 × 100, ठीक है। प्रिंसिपल कितने रुपए, 7300 है, इसको इसको देखो ना 7300, आर कितना है 6 × 6 / 100 × 100, इसे गुणा कर कितना आएगा, 3673 गुणा कर कितना आएगा, जिसके एंड में 8 होगा, कौन सा आंसर है, यही आंसर है इसका, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 4 ईयर्स एट 7% इज 3584। 3584 जो है बेटा सिंपल इंटरेस्ट है, क्या है ये सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3584 है, प्रिंसिपल का पता नहीं है, रेट कितनी है 4%, रेट 4×4 है और रेट 7% डिवाइड बाय 100, तो ये नंबर 7 से भी कटेगा, ये 4 से भी कटेगा, 7 से काट के देखते हैं, 7×5 = 35, 7×7 = 7, 7×2 = 14, फिर ये 4 से कटेगा, 4×4 = 128, तो P/100 बराबर दीज, तो P बराबर कितना आ गया 12,000 प्रिंसिपल। ये SI वाले क्वेश्चन फॉर्मूले लगा के हम कर लेंगे डायरेक्ट, ठीक है, इसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी, ये चैप्टर आपको बढ़ा चुका हूँ मैं SI का। अब मैंने प्रिंसिपल फाइंड कर लिया, अब क्वेश्चन क्या है, उसी धनराशि पर, तो प्रिंसिपल कितना 12,800, रेट कितना है 4% और 2 साल का है, तो आपको बताया हम अपना मेथड यूज करेंगे इसमें, हाँ 4×8 = 32 हो गया, 4×2 = 8, 3×3 = 11 हो गया, 4×4 = 512 ही हो गया, ये इंटू 2 कितना 1024, पिछले साल का ब्याज कितना 512 × 4/100 कितना आ गया, ये 20.48, तो आंसर है 1044.48 इसका आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अ सम ऑफ 2200 इज इन्वेस्टेड एट टू डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट. द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट गॉट आफ्टर फोर ईयर टू 2002.4. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. भाई उसने कहा 2200 रुपये यहाँ पे उठाए आपने, यहाँ 2200 रुपये दिए आपने, और यहाँ भी आपने कितने उधार दे दिए, 2200 रुपये उधार दे दिए आपने यहाँ पे, ठीक है. अच्छा, और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पता ही नहीं कितनी, हमने उसको R1 मान लिया, और टाइम दोनों में 4 साल है. यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे हमने R2 मान लिया, टाइम यहाँ भी 4 साल है. तो यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिलेगा वो मिलेगा मुझे 2200 इंटू R1 इंटू 4/100, कितना आ गया 88 R1. यहाँ से कितना मिलेगा 88 R2, दोनों एक ही तो हैं. इन दोनों का अंतर उसने कहा, इन दोनों जो ये जो 4 वर्ष बाद ब्याज में अंतर 202 रुपए, यानी कि ये 88 में कॉमन लूंगा तो बचेगा R1 माइनस R2, इसकी वैल्यू कितनी है, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट इज 202.4. तो R1 माइनस R2 बराबर 202.4 डिवाइड बाय 88, 11 × 8 होगा, तो 11 × 8 ही होगा भाई. ये पहले 11 से काटो, 88 के दो ही फैक्टर होते हैं 11 और, तो पहले 11 से काट इसको, 11 × 11 हो गया भाई, 80 बचेगा, 92 बचेगा, 11 × 88 11 × 44, और कितना 8 बार 2.3% का है डिफरेंस, दोनों ब्याज के अंतर बताना. तो ये वाला R1 था, ये R2 था, तो ये 88 R1 है, ये 88 R2 है, दोनों का डिफरेंस 88 R1 माइनस R2 है, दो भी तो ये आ गया 2.3% रेट का डिफरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ 16,500 एट द एंड ऑफ 3 इयर्स इज 5,940. प्रिंसिपल 16,500, टाइम 3 वर्ष, और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 5,940 है, ठीक है. सेम रेट बोल रहा हो तो सेम रेट का रेट फाइंड करना पड़ेगा, वही आपका फॉर्मूला पुराना, पी इंटू आर इंटू टी बटा 100, 5,940 16,500 इंटू आर इंटू 3/100. 165 के दो ही फैक्टर होते हैं, 13 × 11 या 15 × 11, 15 × 11, ठीक यही होगा ना, 11 से कटेगा ये नंबर, 11 × 5 = 55, 15 से कट गया ना, 3 साल, ये ऐसे 2 साल नीचे आ रहा, 2 साल के लिए, ठीक है. अरे रुक जा रुक जा, अभी तो क्वेश्चन ही नहीं आया, आ रही तो फाइंड कर रहा हूँ मैं पहले. 11 × 5 = 13, 15 × 11 होता है ना, 15, ठीक है, 15 से कटेगा ये, 15 × 3 = 15, 15 × 6 = आर कितना रहा इसमें, आर 12 आया, आर इक्वल टू कितना परसेंट आ गया, आर इसमें 12% आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%. अब क्वेश्चन क्या है, वही एम्बिशन मेथड, 16,500 इंटू 12/100, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 72, 6 = 78, 12 × 12 = 7, 19, 1980 आ गए ये, हाँ पक्का है, फिर 1980 इंटू 12/100. गुड, और ये आएगा 12 × 96, 12 × 9 = 108 और 9 = 117, 12 × 12 = 11, तो कितना आएगा 237.6. तुम्हारा आंसर आएगा 4197. बेटे सिंपल इंटरेस्ट से आपने रेट फाइंड कर ली,
उसके बाद प्रिंसिपल क्या है, समान अवधि में समान राशि पर समान दर से। यार ये गलती कर गया हम, सेम पीरियड है, 3 साल का है, 3 साल का होगा तो कितना रहा, पहला है पहला है पहला है, यहाँ इंटू 3 होगा ना, फिर यहाँ इंटू 3 है, वहां तक तो कर लेंगे, वो तो हो गया। रेट कितनी आ गई, 12% आ गई नहीं आ गई, पर रेट तो 12% आ गई ना, तो यहाँ से इसके बाद खत्म कर दो इसको यहाँ से, है ना। रेट कितनी है, 12% है। अब क्या करना है, 16,500 इंटू 12/100 कितना आएगा, ये 1980। अब ये 1980 पे निकालेंगे ब्याज 12 के हिसाब से। ये नंबर क्या आया था, 0.6 आ गया। अब 237.6 पे निकालेंगे इंटू 12/100, ये कितना आएगा, 28.512। अब यहाँ पे होगी 3 की गुणा, यहाँ 3 की गुणा और यहाँ 1 की गुणा, ये 3 गुणा कर कितना आएगा, 5940। 3 गुणा कर कितना आएगा, 708 आ गया, और ये 28.512। फाइनल आंसर 6,8,312। ये हमने पूरा निकाल लिया, 3-1 तक है वहां पे, 6,6,8,1.31 है। 3 साल का क्वेश्चन था। अब 3 साल के लिए हमारा नियम क्या है, 3 साल के लिए जो क्लास में जो अब्सेंट थे, जो नहीं आ पाए, उनका रूल है 3 × 3 × 1। 3 साल का नियम × 3 × 3 × 1, और 2 का नियम क्या है, × 2 और × 1। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू, ये क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक होगा भाई करने में, देखते हैं इतना पढ़ रखा, अब करना तो पड़ेगा ही। रेट 15% है, टाइम 3 साल है, और सीआई की वैल्यू कितनी है, 6,500.52 प्रिंसिपल होता है। जिससे करना है उससे करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे आंसर चाहिए भाई। अब इसको करने के सीआरआई आपको बता रखा मैंने, और क्या बता रखा है, इनिशियल फाइनल बता रखा आपको मैंने। एक क्वेश्चन छोड़ो, नींद आ रही वैसे बहुत तेज, चल अगला बताओ। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल इन 8 ईयर एट द रेट ऑफ 13%। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है भाई ये, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, 6,500 है, रेट 13% है, टाइम 8 साल है, ठीक है भाई। इसमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो पी 6,500 बराबर पी इंटू 13 इंटू 8/100, ये आ गया 500, ठीक है भाई। तो पी बराबर आ गया बराबर 50,000/8, कितना आएगा, 6,250। प्रिंसिपल की कितनी है, 6,250, प्रिंसिपल इज 6,250, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट से निकाल लेना इसको, क्वेश्चन को, ये तो आपको सिखा रखा मैंने सही। अगला क्वेश्चन तुम्हारा ये है ना कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन दैट प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है, 6,250, ठीक है। रेट क्या है, 8% है, 2 साल का निकालना है अपने को, तो ये निकाल दिया हमने, 100 से डिवाइड कर दिया, 8×40, 8×16 20, 8×3 48, 2 कितना कितना आ गया, 500 आ गया, ये 0 भी थी ना यहाँ पे, 500 × 2 कितना हो गया, 1000 हो गया। फिर यह 500 के हिसाब से 8% हो गया, 500 × 8/100 कितना हो गया, 40, 1040, 1040 हमारा आंसर आ गया, 1040। अगला क्वेश्चन, ये पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है, ये परसेंट वाला चैप्टर का पेपर क्वेश्चन पेपर आपके पास आ गया। इसको करते हैं हम परसेंटेज ब्रेक मेथड से। इसमें कह रहा है कि किसी गांव की जनसंख्या है 9,000, अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या 5% बढ़ी, महिलाओं की 8% बढ़ी,
इसको परसेंटेज ब्रेक मेथड से करते हैं और बोलते हैं कि जो है अगर पुरुषों की जनसंख्या 5% बढ़ी है, महिलाओं की भी अगर 5 ही% बढ़ती तो जनसंख्या हो जाती 9000 का कितना परसेंट, 5% कितना हो गया, कितना हो गया भाई 450। ठीक है भाई, भाई ये क्वेश्चन जो होता है ना इसमें महिला और पुरुषों की जनसंख्या अलग अलग रेट से बढ़ती है तो हम हमेशा छोटी वाली रेट को पकड़ लेते हैं। हमने कहा पुरुष बढ़े हैं 5%, महिलाएं बढ़ी हैं 8%, तो हमने मान लिया कि महिला भी 5 ही बढ़ी और पुरुष भी 5 ही बढ़े, तो 9000 का 5% कितना हो गया, 450 बढ़ना चाहिए था ना, हम देख रहे बढ़े कितनी 600 बढ़ी है, तो बढ़नी थी हमारी पॉपुलेशन कितनी, टोटल इंक्रीज हमारा है 600 और हम चाह रहे थे कितना बढ़े वो 450, एक्स्ट्रा कितनी इंक्रीज हुई, एक्स्ट्रा बढ़ी है 150, कितनी बढ़ी है 150 जो है ये एक्स्ट्रा कहां से आया, क्योंकि हमने 8% में से कितना परसेंट ले लिया, हमने 5 लिया हुआ, तो अभी कितना परसेंट लेना है और, तो ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू है 150 ये 3% की वैल्यू है, 3% ऑफ फीमेल बराबर कितना 150, तो फीमेल बराबर हो गया 150/3 कितना हो गया 5000 हो गया, ये 3% 1% आया, कितना आएगा ये 1% आएगा, तो फीमेल होगी 5000। अब टोटल जनसंख्या 9000 थी, फीमेल अगर 5000 है तो पुरुष कितने होंगे 4000। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, पुरुष और महिला यानी 4 और 5, पहले पुरुष बोला है तो 4 पहले, 1 लाख को डिवाइड किया गया 2 अलग अलग टाइप के शेयर्स में। ठीक है, वो कह रहा है कि पहले पे 9% का ब्याज मिलता है, दूसरे पे 11% का ब्याज मिलता है और कुल ब्याज कितना मिलता है, ये 93/4 नहीं है, ये है 9 सही 3/4% है, तो ये क्वेश्चन है एवरेज का, किसका किसका क्वेश्चन है, ये एवरेज का क्वेश्चन है और एवरेज में क्या हो रहा, हम लोग क्या बना रहे हैं, हम 9 और 11 को मिला के कितना बना रहे हैं, 9 सही 3/4 बना रहे हैं हम लोग। तो याद रखना कि पहला पार्ट, पार्ट नंबर 1 पे जो आपको ब्याज मिला कितना मिला है वो 9%, पार्ट नंबर 2 पे जो आपको ब्याज मिला वो कितना परसेंट है, वो 11% है, और जो आपको ओवरऑल ब्याज मिला है वो मिला है 9 चौक 36 और 3 कितना 39/4% मिला है। इससे और इससे मिला के अगर ये बनता है तो इसको एलिगेशन कहा जाता है। ठीक है, और अपॉन में अगर 4 आएगा तो हम 4 को यहाँ से हटा देते हैं और ये 4 हटेगा और 4 यहाँ जाके गुणा हो जाएगा सब जगह जाके, तो यहाँ क्या था 9 था कितना हो गया वो 36%, यहाँ क्या था 11 था क्या हो गया 44% हो गया, और 11 36 40 कितना बचा 39% बना, एलिगेशन यूज करेंगे कितना आ गया यहाँ पे 5 और यहाँ 3, तो ये वाला पार्ट 5 है, ये वाला पार्ट 3 है, कितना हो गया टोटल 8 और 8 की वैल्यू कितनी है 100000 है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 12500 आ गई, तो 12500 × 5 कितना होता है 62500 और 12500 × 3 कितना होता है 37500 हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसेंटेज रेशियो। टोटल पैसे हैं भाई के पास 2600 और उसने क्या किया, उसको 3 जगह बांट दिया, पहला पार्ट का नाम P1 है, दूसरे का नाम P2 है, तीसरे का नाम P3 है, उसने 2600 को डिवाइड किया 3 पार्ट में, पहले पार्ट को उसने बोला P1, दूसरे को P2, तीसरे को P3 और तीनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, कितना जोड़ेगा, तीनों का जोड़ कितना है 2600 है। अब वो कह रहा P1 पे उसे जो ब्याज मिला है वो 4% है, तो P1 का P1 इंटू R इंटू टाइम 21 साल है, तो P1 में जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा P1 4/100 और ये तीनों बराबर हैं, लिखा हुआ उसमें एट द एंड ऑफ द ईयर ही गॉट द सेम इंटरेस्ट ऑन ऑल द 3 केसेस, तो यहाँ पे क्या लिखो जाएगा P2 × 6 × 1/100, तीसरे बार में जो ब्याज मिलेगा बेटा वो भी वही है, सेम है ना, वो तो बराबर है, तो हमने बराबर का साइन लगा दिया 100/100, रेशियो में तीनों बराबर है तो इसको उड़ा दिया गया और यहाँ 2 से इसको काट दिया गया, ये 2
ये 3 और ये 4, तो अंत में मेरे पास बचा कितना, 2p1 बराबर 3p2 बराबर 4p3। अब हमें बताया कि p1 रेशियो p2 रेशियो p3 कैसे निकालते हैं, जब इस फॉर्म में नंबर होते तो इसको छोड़ देंगे, p1 के लिए p1 को छोड़ देंगे, कितना आ गया 12, p2 के लिए इसको छोड़ देंगे 8, 6। आंसर बता भाई। हाँ सही है, तो p1 p2 p3 को जोड़ के कितना आ रहा था 2600, तो यहाँ कितना आ रहा जोड़ के 26, तो रेशियो का 26 बराबर असली का 2600, तो 1 किलो कितनी आ गई 100 आ गई। क्या पूछा था 4% वाला पहला पार्ट कितना आ रहा 100 × 12, बड़े आंसर 1200 का आंसर आ गया। असम मनी बिकम्स 8 times in 3 years, 8 गुना हो गई वो, ठीक है। तो अगर वो पैसा पी था तो पी से कितना बन गया वो 8p बन गया वो, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। तो अभी जो आपको पता है अभी अभी बिल्कुल बेसिक से करेंगे, मल्टीप्लाई फैक्टर से नहीं करेंगे इसको। फॉर्मूला क्या है, a बराबर क्या p 1 प्लस r बटा 100 की पावर n हो गया, अमाउंट के लिए कितनी है 8p, p 1 प्लस r बटा 100 की पावर n, ये p से p कट जाएगा, 1 प्लस r अपॉन 100, और पावर बेटा n नहीं है, पावर कितनी है 3 है, वैल्यू कितनी है 8 है। तो कौन से नंबर का क्यूब 8 होता है, 2 का, तो 1 प्लस r अपॉन 100 क्या हो जाएगा 1 प्लस r बटा 100 की पावर 100 कितना हो गया, कितना हो गया 2 हो गया, नहीं हो गया ये 2 हो गया। अब वो कह रहा है आप क्या करना है, आपको अब आपको p को बनाना है कितना 16p, अमाउंट 16p है, तो a बराबर 16p हो गया, p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n, p से p कट गया, और ये तो 2 है, 2 की कितनी पावर n, 2 की कितनी पावर 16 होती है, कितनी होती है 4, तो कितना आंसर आएगा n बराबर कितना आ गया, कितना आ गया 4 आ गया, n इक्वल टू 4 इयर्स। ये तो आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ये तो टेबल बता रखी है आपको, रेट अगर 10% होगी, टाइम अगर 3 ईयर होगा, तो कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट CRI वो होता है 33.1% ऑफ प्रिंसिपल। CI क्या होता है, 33.1% ऑफ प्रिंसिपल होता है, और कितना है ये 993, तो 1% ऑफ प्रिंसिपल 993 डिवाइड बाय 33.1, कट गया ये 30 बार, कितनी बार कटा 30 बार, तो P बराबर आ गया कितना 30 × 100 कितना 3000 3000 10% 3 साल। जब भी आपको 10% 3 साल दिखाई दे तो क्या लिखोगे आप डायरेक्ट 33.1%, टेबल बनी हुई इसकी हमारी भाई। जनसंख्या हर साल 5% बढ़ जाती है, वर्तमान कितनी 9261 है, तो 3 साल पहले क्या रहोगे, तो 3 साल पहले 9261 ठीक है इंटू 100 अपॉन कितना 105, 100 बटा 3 साल पहले में हम डिनोमीटर में डालते हैं नंबर को, कितना हो गया 20/21, ये भी कितना हो गया 20/21, 20/21, 21 का क्यूब है ये, क्या बचा ऊपर 8000 है, 8000। इस क्वेश्चन को तो याद कर लो यार।